मरियम रोज की तरह सुबह 5 बजे उठी। उसका दाहिना हाथ दर्द से लकवाग्रस्त हो रहा था, लेकिन दर्द के बजाय वो इस हालत में रोटी बनाने के बारे में सोचने लगी। पिछले 2 दिन बेटे की पत्नी लामिया ने बाहर से ब्रेड मंगवाई। रात को सोने से पहले उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो माँ मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन तुम सुधर नहीं रही हो, ये काम हम भी कर सकते हैं। कल मेरा भाई आएगा तो नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। ये शब्द सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे अनेक की शादी बहुत प्यार से की थी। शादी के 1 हफ्ते बाद तक वो अपनी बहू के व्यवहार से काफी प्रभावित थी। लामिया ने खाना बनाने से लेकर पैर दबाने तक का सारा काम किया। समस्या अनिक के ऑफिस की छुट्टी खत्म होने के बाद हुई। पहले दिन ही अनिक के घर से निकलते ही लामिया अपने घर आ गई। उसने पलंग पर पांव उठाकर ऊंची आवाज में कहा, अच्छा हुआ जो तुमने अपने बेटे की शादी कर दी। एक बात तुम्हें मैं स्पष्ट कर दूं, अब मैं इस घर में पत्नी बन गई हूँ और आप भी घर पर हैं। मुझ में काम करने की शक्ति नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। तो ये आपका निर्णय है कि आप इन सभी चीजों को संभालते हैं या अपने बेटे के परिवार को तोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, ये बातें तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को दिवालिया बना दूंगी। काम करती रहो, खाओ और जो मैं कहती हूँ वो करो, तभी घर में शांति होगी, नहीं तो मैं जीना हराम कर दूंगी। उस दिन से मरियम घर का सारा काम करने लगी। अनिक के घर में घुसते ही पत्नी का चेहरा बदल गया। माँ माँ, एक सुंदर स्वर में, अगर अनिक घर में नहीं है तो आप कहने से संकोच न करें। अनिक इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो सोचता है उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, माँ की सेवा का हर समय ध्यान रखती है। मरियम चाहकर भी अनिक का चेहरा देखकर कुछ नहीं कह पाती। वो एक सीधी साधी और डरपोक महिला है। उम्र के साथ वो कमजोर होते नजर आ रही है। मरियम हाथ में दर्द लिए बहादुर से उठी। रोटी के बारे में कुछ कहे बिना ही लामिया रसोई में आ गई। मरियम ने देखा और देखा कि बेटे की आंखें गर्म थी। उसके हाथ को देखते हुए लामिया ने झटके से कटोरा ले लिया। मरियम दर्द से कराह उठी। फिर लामिया ने कहा, चोरी करने के लिए उस जगह से मत गुजरो, है ना? क्या यह एक गरीब होटल है जो आप जो चाहे करेंगे? अनेक आधे घंटे बाद उठेगा, उसे नाश्ता कौन खिलाएगा? या क्या आप रोटी बनाकर उसे दिखाना चाहती हैं? मरियम ने कहा, नहीं, अब मेरा हाथ सचमुच दर्द कर रहा है, इसलिए इतना काम है। लामिया ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, मुझे जल्द से जल्द रोटी चाहिए, अनिक के उठने से पहले। मरियम ने सुखद स्वर में सिर हिलाया। लामिया के जाने के बाद मरियम ने दुखते हाथ से रोटी बनाई। अनिक के उठने के बाद मरियम तुरंत डाइनिंग रूम में चली गई। लामिया खाने की मेज पर रोटी ले आई और दोनों को खिलाई। अनिक के आने से पहले लामिया ने कहा, सुनो जी, मेरे लिए दर्द की दवा लेते आना, काम करते करते मेरे हाथ बहुत दुखते हैं। अनिक तुरंत चिंतित हो गया। उसने कहा, ए क्या कह रही हो, क्या आपका हाथ दुखता है? आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती? मैं लोगों को काम करते हुए नहीं देखता, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। लामिया बोली, नहीं नहीं, क्या कहना, अगर मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं करूंगी तो मुझे बुरा लगता है, और इतना काम तो हम लोग संभाल ही सकते हैं। माँ बीमार है, उसकी भी सेवा करनी है, क्या मैं अपनी माँ की सेवा किसी और को दे सकती हूँ? कुछ नहीं होगा, तुम इतनी चिंता मत करो। अनिक ने चिंतित होकर सिर हिलाया। इस बीच लामिया के मुंह से ये शब्द सुनकर मरियम ने आह भरी। अनिक अगर लामिया का असली चेहरा देख लेता तो समझ जाता कि असल में वो क्या है। लामिया का छोटा भाई नयन दोपहर के करीब घर आया। दोनों भाई बहन हाथ मुंह धोने के बाद आराम से बातें कर रहे थे। इस बीच मरियम घर की सफाई कर रही थी। मरियम के काम की रफ्तार देखकर नयन अपनी बहन के साथ हंस पड़ा। नयन बोला, तुम इस औरत के साथ घर की सफाई क्यों कर रही हो? 5 साल का बच्चा भी इससे अच्छा पोंछा लगा सकता है। लामिया ने कहा, ज्यादा मत बोलो, 2 दिन से बाप का क्या ड्रामा, क्या उसका हाथ दुखता है? कृपया हम पर दया करें, आप इस आसन को छोड़कर थोड़ी सी जोर देकर घर की सफाई करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और सुनो, इससे पहले हमारे लिए 2 कप चाय बनाकर लाओ। मरियम ने घर में पोंछा लगाना बंद किया और चाय बनाने चली गई। उसके पास माथा टेकने के सिवा और कुछ नहीं है। इस बीच दोपहर को कूली रकीब कुछ बाजार से सामान लेकर घर आ गया। मरियम कपड़े लेने छत पर चली गई, इसलिए दरवाजा बंद नहीं किया। लामिया आराम से सो रही है।
इस बीच नयन कान में ईयरफोन लगाकर फुल वॉल्यूम में संगीत सुन रहा है। रकीब ने दो बार डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। घर में किसी को न पाकर रकीब बाजार का सामान किचन में रखने चला गया। उसी वक्त नयन की नजर रकीब पर पड़ी। जब वो किचन से बाहर निकलकर जा रहा था, रकीब को किचन से बाहर जाते देख नयन ने दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगा, चोर कहीं के तुम हमारे घर पर क्या कर रहे थे? तुमने क्या सोचा कि तुम्हें कोई देखेगा नहीं? मैं एक थप्पड़ मारूंगा ना तो तुम्हारे सारे दांत बाहर आ जाएंगे। रकीब ने कहा, हे मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या लगा मैं इस घर के लिए रोज बाजार से सामान लाता हूँ? मुझे इस घर में सब जानते हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नाटक मत करो, मैं तुम्हारा इरादा नहीं जानता। अपने चेहरे को देखकर ही आप बता सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। कौन हो भाई? मालिक ने इस घर को बुलाया। आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं शायद तुम्हें नहीं मालूम। अनिक भाई मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, वो हमेशा घर आकर चाय नाश्ता करने को कहते हैं। तब नयन ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? इस घर में सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए यहाँ मेरे शब्द महत्वपूर्ण है। ज्यादा बकबक मत करो, नहीं तो मैं दो चार थप्पड़ मार दूंगा। इसी कहासुनी के बीच अनेक ऑफिस से लौट आया। अपने साले और घर के सामने दरबान की परेशानी देखकर दौड़कर आ गया। आखिर क्या हुआ है और तुम उससे इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? नयन बोला, अगर कोई बिना पूछे घर के अंदर घुस आए तो मुझे क्या करना चाहिए? साला चोर कहीं का, रकीब ने नरम आवाज में कहा। लेकिन भाई मैं तो बाजार का सामान अंदर रखने गया था। अनिक आगे आया और नयन से बोला, देखो नयन, तुम मेरे साले हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी वजह से अच्छे लोगों की बदनामी से शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये मेरा घर है, मेरा इलाका है। मेरे घर आए हुए लोगों के साथ तुम इस तरह का बुरा व्यवहार करोगे तो ये नहीं चलेगा। आप रकीब से माफी मांगो। नयन बोला, बहनोई जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। नयन इन जैसे फकीरों के आगे कभी नहीं झुकेगा, जिंदगी में कभी नहीं। अनिक ने धमकी देते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो नयन, आप मेरे यहाँ मेहमान हैं, हदें पार करना अच्छी बात नहीं होगी। जाना है, जाओ यहाँ से। नयन लाल आंखें और चेहरा लिए अंदर चला गया। अनिक ने अपने हाथ जोड़ते हुए रकीब से कहा, मैं अपने साले की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें जानता हूँ। रकीब ने कहा, अनिक भाई आप अपने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं भी आपको जानता हूँ, आप जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं। आप हमेशा मेरी मदद करते हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, और आप मेरे सामने इस तरह से हाथ जोड़ रहे हो? कुछ नहीं होगा भाई। अनिक ने रकीब को सीने से लगा लिया और घर के अंदर आ गया। अनिक वो बुरे मूड में है, वो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करते, लेकिन नयन ने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया है। घर में घुसकर फ्रेश होकर अनिक अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। मरियम को अपने बेटे को देखकर थोड़ा अच्छा लगा। वो अपने बेटे के लिए फल लाई। वो सारा दिन बाहर रहता है, खाना ठीक नहीं है। वो अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिला रही होती है, तभी लामिया तूफान की रफ्तार से घर में घुसी और चीखने चिल्लाने लगी, यहाँ आराम कर रहे हो और तुमने मेरे भाई को क्या उल्टा सीधा कहा? तुम्हें क्या मिला? क्या आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी? मेरे भाई को एक दिन भी नहीं हुआ और उसकी ये हालत है, तुमने उसके साथ गलत व्यवहार क्यों किया? इस पर अनिक ने लामिया को जोर से डांटा और कहा, चुप रहो, चिल्लाओ मत। यदि तुम्हारा भाई लोगों के साथ गलत व्यवहार करेगा तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? जाओ यहाँ से, बात को ज्यादा तूल मत दो, नहीं तो बात और बिगड़ती चली जाएगी। लामिया वहाँ से चली गई। मरियम समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। उसने अपने आप से कहा, ये लड़की क्या समझती है कि ये परिवार है या सर्कस? अनिक इन समस्याओं को हल करना चाहता था। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन अनिक हमेशा की तरह बाहर चला गया, लेकिन जब वो नीचे गया तो उसे याद आया कि वो कुछ फाइलें लाना भूल गया है। इसी बीच अनिक के चले जाने के बाद लामिया और उसके भाई का शासन शुरू हो गया। कल की कहानी के बाद दो लोगों का मूड बहुत खराब है।
मरियम एक ओर घर में झाड़ू लगा रही है और दूसरी ओर चूल्हे पर चाय रखी हुई है। नयन और लामिया को चाय देने के बाद नयन ने एक घूंट लिया और चाय को फर्श पर गिरा दिया। मरियम हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। नयन चिल्लाया, ये चाय है या जूस दीदी? क्या मैं अपनी बहन के घर थोड़ा आराम भी नहीं कर सकता? इस पर तुरंत लामिया चीख पड़ी, लेकिन तभी पीछे से माँ के बुलाने पर सब रुक गए। अनिक को देखते ही लामिया ठिठक गई। अनिक घटना स्थल पर आया और नयन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लिया और लामिया को देखा और चिल्लाया, तुम मेरी माँ को झाड़ू दे रही हो, चाय बनवा रही हो, तुम फिर उस चाय के लिए चिल्ला रहे हो, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? लामिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनिक ने उसे मौका नहीं दिया। अनिक ने कहा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जिस माँ के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ, इतना सितम, इतना अपमान। माँ, माँ, तुमने मुझसे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरियम रो पड़ी और अनिक को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। अनिक बोला, परिवार? क्या ये परिवार है माँ? मुझे ऐसे परिवार और ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब कुछ तोड़ रहा हूँ। मैं अब लामिया का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अनिक के गुस्से पर लामिया ने फूट फूट कर कहा, अनिक, मुझसे गलती हो गई है। अनिक ने कहा, नहीं लामिया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं लोगों को पहचान नहीं पाया। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे सभी दायित्वों को पूरा किया है। कभी कोई कमी नहीं रही। मैंने एक नौकर रखने के लिए कहा था तुमसे, आपने नहीं रखा। मुझे लगा कि आप एक परिवार के सदस्य की तरह दिखती हो। आप एक जीनियस की तरह लगती हो, इसलिए कि आप एक हाथ से सब कुछ संभालना चाहती हो। लेकिन तुमने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया और आपने मेरे रुपयों से पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। लामिया, अब तुम तुम्हारा सब कुछ लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। मुझे तलाक चाहिए। अनिक के मुंह से ये सुनकर लामिया ने आकर मरियम के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। लेकिन अनिक ने भारी आवाज में उसे चेतावनी देते हुए कहा, अब ये सब करना बेकार है लामिया, मेरी माँ को मत छुओ। बाहर निकलो यहाँ से अभी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कोई रास्ता न सूझने पर लामिया अपने बैग को उठाकर अपने भाई के साथ घर से बाहर निकल पड़ी।